जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आप सभी का एक नए ब्लॉग में फिर से स्वागत है। अगर मैं आज की बात करूं तो इस टाइम पे अभी हम खड़े हैं पठानकोट बस स्टैंड पे, और अगर आज की जर्नी की बात करूं तो आज हम जाने वाले हैं पठानकोट से लेकर जलंधर तक के बीच में। किलोमीटर्स की बात की जाए तो 115 किलोमीटर की आज हमारी जर्नी होने वाली है, और जिस बस में हम जाने वाले हैं वो बस कुछ ही टाइम में अभी पठानकोट बस स्टैंड पे आ जाएगी, देन उसमें बोर्ड होके हम चले जाएंगे अपनी जर्नी के लिए। और दोस्तों अगर मैं हाईवे की बात करूं तो नेशनल हाईवे 44 यानी NH 44 पे आज हम जर्नी करने वाले हैं, और इस हाईवे को कश्मीर कन्याकुमारी हाईवे के नाम से भी जाना जाता है। अगर मैं रूट की बात करूं तो दसुआ मुकेरिया टांडा होते हुए हम जाएंगे आज जलंधर के लिए। और दोस्तों इसी के साथ अगर मैं पठानकोट बस स्टैंड की बात करूं तो यहां से आपको हिमाचल पंजाब J&K और हरियाणा से जगह जाने के लिए आसानी से बसेस मिल जाएंगे। अगर मैं स्टेशन की बात करूं तो पठानकोट जंक्शन यहां से 300-400 मीटर पे है, और जो पठानकोट कैंट है वो बस स्टैंड से 4 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर मैं बस स्टैंड की बात करूं तो यहां पे पेड पार्किंग भी है, आप अपनी गाड़ी ला सकते हैं या स्कूटी बाइक कुछ भी ला सकते हैं, यहां पे पार्क करें देन आप बस में बोर्ड होके कहीं की जर्नी कर सकते हैं। और दोस्तों टाइम को ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए हम चलते हैं बस स्टैंड के अंदर, क्योंकि अभी मैं जहां पे खड़ा हूं वो है यहां की पार्किंग सेक्शन। तो ठीक है जल्दी से चलते हैं बस स्टैंड के अंदर, और जो अपनी बस है वो 15-20 मिनट में आने वाली है। बस में होते हैं बोर्ड, देन करते हैं अपनी जर्नी को शुरू, और जितनी भी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन होगी वो मैं सारी आपको ब्लॉक के टाइम पे बता दूंगा। ठीक है अपनी जर्नी को करते हैं आज यहीं से शुरू। और इसी के साथ दोस्तों जिस बस में हमने ट्रैवल करना है यानी पंजाब रोडवेज की बस में, वो बस अभी काउंटर पे लग चुकी है और हम बस में हो चुके हैं बोर्ड। अभी थोड़ी देर में बस यहाँ से चलेगी और मैं आपको दिखाऊंगा कि बस अंदर से भी कैसी दिखती है। ठीक है जर्नी करते हैं शुरू, और आपसे मिलता हूँ मैं अपनी जब बस हमारी काउंटर से बाहर निकलेगी, और कुछ इस तरह से हमारी आज की बस रहेगी। ठीक है करते हैं जर्नी को शुरू और चलते हैं अपनी जर्नी। दोस्तों इसी के साथ अगर मैं टाइम की बात करूं तो 9:45 हम निकल गए पठानकोट बस स्टैंड। बस स्टैंड से निकलने के बाद ठीक 10 मिनट के बाद हम पहुंच गए मलिकपुर चौक। अगर आप जम्मू वाली साइड से आते हैं तो आपको जलंधर जाने के लिए यहीं से बसेस मिल जाएंगी। वैसे तो जम्मू से डायरेक्ट बसेस भी जाती हैं जो कि पठानकोट बस स्टैंड ना जाते हुए डायरेक्ट जलंधर के लिए मिल सकती है। अगर मैं स्टाफ की बात करूं तो आज गुरविंदर सिंह बिल्ला जी हमारी बस के पायलट रहेंगे, और इनके साथ को पायलट यानी कंडक्टर रहेंगे विक्की जी। दस बजकर 5 मिनट पे हम पहुंच गए ढांगू। अगर मैं ढांगू की बात करूं तो इसको चक्की पुल के नाम से भी जाना जाता है, और जलंधर बाईपास के भी नाम से जाना जाता है। अगर आपने हिमाचल जाना है तो आपको हिमाचल के लिए अभी कुछ टाइम तक यहीं से बसेस मिलेंगी। जिस साइड से पहले बसेस जाती थी वहाँ पे जो पुल है वो टूट चुका है, जिसके कारण बसेस इसी रूट से हिमाचल के लिए भी जाती है। अगर मैं किराए की बात करूं तो पठानकोट बस स्टैंड से लेकर जलंधर बस स्टैंड तक जो मेरा किराया लगा वो लगा 175 रुपीज़।
और इसके बाद दोस्तों हम पहुंच गए अपनी जर्नी के फर्स्ट टोल प्लाजा पे। अगर मैं टोल प्लाजा की बात करूं तो हंगेरियन से अप्रोक्सीमेट 10 किलोमीटर पहले पड़ता है और इसका अगर नाम बात करूं तो हरसा मंसर टोल प्लाजा, कुछ इस तरह से इस प्लाजे का नाम। और दोस्तों अभी अगर मैं बात करूं तो इस टाइम पे टाइम हो रहा है 10:50 और हम पहुंच चुके हैं मुकेरियां बस स्टैंड पे। तो मुकेरियां का व्यू आपको दिखाना चाहूंगा, कुछ इस तरह से रहेगा। और अगर मैं इस बस स्टैंड की बात करूं तो मुकेरियां को मैंने पहले भी कवर कर रखा हुआ है, यानी हम जब गए थे पठानकोट चंडीगढ़ बस में तब हमने इस जर्नी को भी कवर किया था और इस बस स्टैंड पे हम पहले भी आ चुके हैं। अगर मैं यहाँ से डाइवर्सन की बात करूँ तो यहाँ से एक रोड चला जाता है तलवाड़ा के लिए और जिस रोड पे हम जाएंगे वो जाएगा दिल्ली के लिए रोड। तो ठीक है, चलते हैं अपनी बस में क्योंकि यहाँ पे हमारी बस सिर्फ 2 मिनट रुकेगी और देन आपको दिखाता हूँ यहाँ से बस का डिपार्चर। अभी हम मुकेरियां से रोड की बात करूँ तो मेरे राइट साइड से रोड जाएगा, ये रोड निकल जाता है गुरदासपुर। यहाँ से गुरदासपुर अप्रोक्सीमेट 26 किलोमीटर पड़ता है और देन आप वहाँ से आगे अमृतसर भी जा सकते हैं। पंजाब रोड भी काफ़ी ज़्यादा बसेस भी इस रूट पे चलाई जाती है। अगर मैं दोस्तों पर्सनली बात करूं तो जो आप सामने ब्रिज देख रहे हैं, इस ब्रिज से मेरी बचपन की काफ़ी यादें जुड़ी हुई हैं। मैं आपको इस ब्लॉग में तो नहीं परंतु जो मैं आपके भी आगे ब्लॉग डालूंगा उसमें मैं इस बात को भी जरूर करूँगा। और दोस्तों इसी के साथ अगर अभी मैं बात करूं तो अभी टाइम हो रहा है 11:15 और हम इस टाइम पहुंच चुके हैं दसुआ के बस स्टैंड पे। अगर मैं किलोमीटर्स की बात करूं तो 57 किलोमीटर की जर्नी अभी तक हमने कवर कर ली है और मेरे जस्ट राइट साइड पे ही रही हमारी बस, जिस बस में आज हम ट्रैवल कर रहे हैं। और अगर मैं रोड डाइवर्जन की बात करूं तो यहां से 2 रोड डाइवर्ज होते हैं, एक रोड जाता है तलवाड़ा के लिए और एक जहां से चला जाता है चंडीगढ़ के लिए और जिस पे हम जाएंगे वो रहने वाला है दिल्ली वाला रोड। और दोस्तों अगर एक एस्टिमेट से देखा जाए तो 45% तक की हमारी जर्नी यानी हाफ जर्नी के समथिंग कुछ खत्म हो चुकी है। अब हाफ जर्नी आगे पेंडिंग बची है। ठीक है, दिखाता हूँ आपको जर्नी और अभी आपसे मिलूंगा मैं डिपार्चर के टाइम पे कि जब हमारी बस दसुआ बस स्टैंड से निकलेगी। अगर रोड डाइवर्जन की बात करूं तो मेरे जस्ट लेफ्ट में चला जाएगा होशियारपुर के लिए रोड, यहां से आप आगे चंडीगढ़ भी जा सकते हैं। और पायलट जी से मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया था कि जब हम छोटे थे तो हमारा रूम भी यहीं पे ही होता था। इसी के साथ 11:30 के आसपास हम पहुंच गए डांडा बस स्टॉप।
11:45 पे हम अपनी जर्नी के सेकंड टोल प्लाजा पे पहुंच गए। अगर इस पूरी जर्नी में देखा जाए यानी पठानकोट से जलंधर तक की, तो यहाँ पे टोटल 2 ही टोल पड़ते हैं और इस टाइम पे हम इस हाईवे के लास्ट यानी सेकंड टोल प्लाजा पे हैं। अभी अगर मैं अपने लेफ्ट में बात करूं तो मेरे लेफ्ट में जस्ट है DAV यूनिवर्सिटी, और अगर मैं यहां से लोकेशन की जलंधर बस स्टैंड से बात करूं तो 10 से 12 किलोमीटर के आसपास का डिस्टेंस DAV यूनिवर्सिटी से बस स्टैंड के बीच में। अभी दोस्तों हम जिस टाइम पे ट्रैवल कर रहे थे, ट्रैवल करने जस्ट 1 आवर पहले ही यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई है। लोकल लोगों ने बताया कि जितनी ज़्यादा बारिश हुई, बारिश की वजह से ही यहाँ की सारी गलियों में पानी ही पानी हो गया। आप दिख में भी मेरे जस्ट सामने ही देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पानी इकट्ठा हो गया था और ट्रैफिक इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा इकट्ठी हो गई। बारह बजकर 25 मिनट पे हम पहुंच गए लुधियाना बाईपास या PAP चौक। अगर आपने यहां से लुधियाना और दिल्ली के लिए जाना है तो आपको बस में यहीं से उतरना पड़ेगा और देन सामने से आपको आगे जाने के लिए बसेस मिल जाएंगी। अगर आपने अमृतसर जाना है तो अमृतसर के लिए भी आपको यहीं से बस लेनी पड़ेगी। और अभी हम यहाँ से हो जाएंगे राइट तरफ के लिए, क्योंकि यहाँ से राइट में चला जाएगा बस स्टैंड को रास्ता। और दोस्तों जो हमारे जस्ट लेफ्ट साइड से रास्ता आएगा, ये रास्ता आएगा दिल्ली और लुधियाना वाली साइड से। और दोस्तों इसी के साथ हमारी ये वाली जर्नी भी ख़त्म हो चुकी। हम पठानकोट से चले थे 9:45 पे और हम जलंधर पहुंच गए 12:45 पे। अगर एस्टिमेट से देखा जाए तो हमें समथिंग 3 आवर्स का टाइम लग गया। तो ठीक है दोस्तों, कैसा लगा होगा ब्लॉग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और ऐसे ब्लॉग्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करके जाना। और जो यहाँ से आगे का ब्लॉग रहने वाला है जलंधर से अमृतसर के लिए, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, जो मैंने किलोमीटर्स बताए थे वो थे 115 किलोमीटर, यानी वो पठानकोट सिटी से जलंधर सिटी के बीच में थे। परंतु अगर बस स्टैंड टू बस स्टैंड की बात की जाए तो 125 किलोमीटर की हमारी टोटल जर्नी रही, और जो हमारा फेयर लगा था वो फेयर लगा हमारा 185 रुपीज़। ठीक है दोस्तों, मैं लेता हूँ अलविदा और आपसे मिलूंगा अब एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए सारे ब्लॉग देख कर जितना हो सके उतना सब्सक्राइब करना, शेयर करना। ठीक है, मैं लेता हूँ अलविदा। जय हिंद।